160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही मचाई है और इसी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं डीआरएफ की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जेनेसिस हुआ और कैसे इनिशियली उत्तर पश्चिम दिशा पे गति करके इसके बाद इसका दिशा में परिवर्तन हुआ और उत्तर पूर्व दिशा में गति करके जैसे कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो गया था 2:30 बजे और ये 3:30 से 5:30 बजे के अंदर जैसे ही हमने बताया था दीघा और हतिया आइलैंड के बीच जो सुंदरबंस है वही इलाका में सुंदरबंस के ऊपर तट को पार किया और जैसे ही हम बताए थे कि जब ये सुपर साइक्लोन तट को पार करेगा इसका विंड स्पीड ऐसे ही 155 to 165 किलोमीटर्स प्रति घंटा और गस्टिनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा का एस्टिमेट किया गया है। और इसके बाद जो हमने जैसे इन्फॉर्मेशन दिया था कि ये कलकत्ता के पास जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट्स जैसे साउथ और नॉर्थ 24 परगना ईस्ट मिदनापुर में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहेगा और इसके बाद कलकत्ता हुगली हावड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में इसका भी बहुत सीवियर इम्पैक्ट रहेगा। ऐसे ही लगभग देखने को मिल रहा है जैसे प्रधान साहब ने आपको सूचित किए हैं। अभी इसका स्टेटस आप रडार में देखें आपको ये जानकारी देकर आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि भारत सरकार की तरफ से कंप्लीट ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में हमारे डॉपलर वेदर रडार लगे हुए हैं और ये जो साइक्लोन जब मूव कर रहा था तट के पास हम पहले विशाखापट्टनम से इसको डॉपलर रडार में भी ऑब्जर्व किया, इसके बाद गोपालपुर डॉपलर वेदर रडार, पारादीप डॉपलर रडार और कोलकाता में हमारे जो डॉपलर वेदर रडार है इसको भी यूज किया गया। इसके साथ साथ जो इंटरिम टेस्ट रेंज डीआरडीओ चांदीपुर में एक डॉपलर रडार है इसको भी हम यूटिलाइज किए हैं। सो मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया इसको मॉनिटरिंग करने के लिए और सभी डेवलप्ड न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स को यूटिलाइज करके अपना नॉलेज एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज को यूटिलाइज करके इसका ऐसे सक्सेसफुल फोरकास्ट दिया। सिर्फ इसका ट्रैक की नहीं इसका इंटेंसिटी इसका लैंडफॉल पॉइंट लैंडफॉल टाइम एसोसिएटेड वेदर यानी स्टॉर्म सर्ज हैवी रेनफॉल और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाले विंड्स जो पिक्चर आप देख रहे थे वो पिक्चर में थोड़ा बैक कर सकते हैं पिक्चर को। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये जब साइक्लोन सुंदरबन के ऊपर पास कर रहे थे ये पिक्चर डॉपलर रडार कोलकाता से लिया गया है। आप देख पाएंगे कि एक सर्कुलर स्ट्रक्चर सुंदरबन के ऊपर है इसको साइक्लोन की आई बोलते हैं। आई साइक्लोन के सेंटर होता है सो इसलिए रडार से हम लोगों को प्रमाण मिल जाता है कि एक्चुअली साइक्लोन किस एरिया में तट को पार किया है। सो इस चित्र से स्पष्ट होता है कि सुंदरबन के ऊपर 3:30 से 5:30 के ऊपर साइक्लोन के सेंटर तट के ऊपर पास किया है।
जैसे हम बोल रहा था जब यह साइक्लोन तट पार कर रहा था इसका